दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी अंकिता रातीर और आज से मैंने स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट पे एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है। आशा है आपको इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे पाऊँ। तो यहाँ पे ये वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करने का पर्पज़, मुझे बहुत सारी क्वेरीज़ यहाँ पे रिसीव हो रही थी जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। जैसे कि हम सब जानते हैं, न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में, पूरे ग्लोबल लेवल पे कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट जो है बहुत जल्दी से फैल रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ से अगर हम आज की डेट जब मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रही हूँ तो 18,50,000 से ज़्यादा यहाँ पे लोग इन्फेक्टेड पाए जा चुके हैं पूरे ग्लोबल लेवल में, जिसमें से ऑलमोस्ट देश के अंदर, हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर जो है 9,000 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड पाए जा चुके हैं। 300 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसके वजह से न केवल जो बिज़नेस सेक्टर है इफ़ेक्ट हो रहा है, बल्कि हमारी डेली टू डेली लाइफ भी इफ़ेक्ट हो रही है। तो इसमें जो है बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो बंद होने के कगार पे आ गए हैं, और अगर बंद नहीं होने वाले हैं तो उनमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है उनके फाइनेंशियल्स के अंदर, उनके प्रोडक्शंस के अंदर, बिजनेस एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे यहाँ पे जो है इफ़ेक्ट आए हैं। तो इसमें हम जो है इन वीडियोज़ के माध्यम से हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, BSE NSE क्या होता है, स्टॉक मार्केट में आपको कैसे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन से स्टॉक आप यहाँ पे जो है परचेस कर सकते हैं, किन में आपकी ग्रोथ आ सकती है। तो इसके लिए आपको जो है बेसिक्स जानने होंगे स्टॉक मार्केट के लिए, शेयर मार्केट के लिए आपको सारी टर्मिनोलॉजी जाननी होगी। तो इन वीडियोज़ के माध्यम से मैं आप सभी को इन टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊंगी। आशा है आपको ये वीडियोज़ पसंद आएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट जो है आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे चैनल के नाम के आगे आपको YouTube चैनल का ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा होगा मेंबरशिप का, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपकी स्पेसिफिक क्वेरीज का रेजोल्यूशन मैं आप सभी के लिए करती हूं। तो अब देखते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो यहां पे बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते हैं कि स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट जो है वो दो डिफरेंट टर्म हैं। अब बात आती है कि शेयर मार्केट इसमें क्या है और स्टॉक मार्केट क्या है। तो शेयर मार्केट को बताने के लिए यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं। अब शेयर परचेज करने के लिए, जैसे हमें यहाँ पे ग्रोसरीज परचेज करने के लिए मॉल में जाना होता है, ग्रोसरी स्टोर पे जाना होता है या मार्केट के अंदर जाना होता है, वैसे ही अगर हम शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं, शेयर को सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक मार्केट है, जिस मार्केट को हम यहाँ पे जो है बाय और सेल करने के लिए, यानी कि जो बायर है और जो सेलर है वो यहाँ पे बाय और सेल करने के लिए जिस मार्केट का यूज़ करते हैं उसे हम यहाँ पे कहेंगे शेयर मार्केट। और इस मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके शेयर की डीलिंग होगी, शेयर की करते हैं स्टॉक मार्केट की। ये तो बात की हमने शेयर मार्केट की। अब हम जब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, वैसे ही अगर हम सब यहाँ पे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक्स के अंदर जो है यहाँ पे शेयर्स के साथ साथ स्टॉक्स, स्टॉक्स का मीनिंग हो गया आपका डेरिवेटिव के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, या आप करेंसीज के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो मार्केट होता है, इस मार्केट के अंदर आपको परचेज करने के लिए, बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, बायर और सेलर के कॉम्बिनेशन जहाँ पे होता है, यहाँ पे बायर होता है, सेलर होता है, जो ट्रेडिंग होती है उस मार्केट को यहाँ पे जो है हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। तो आशा है आपको अब यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होगी कि शेयर मार्केट कहाँ है। शेयर मार्केट का मतलब जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शेयर की ट्रेडिंग होती है, स्टॉक मार्केट यानी कि जहाँ पे डेरिवेटिव की ट्रेडिंग होती है, म्यूचुअल फंड्स आप परचेज सेल कर सकते हैं, शेयर्स परचेज सेल कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो स्टॉक मार्केट जो है एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर शेयर मार्केट भी इंक्लूडेड है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट को कंसोलिडेट करके, शेयर्स को कंसोलिडेट करके उसे स्टॉक मार्केट बनाता है। तो इसमें सबसे पहला टर्म जो यहाँ पे आता है वो आता है आपका शेयर्स। शेयर्स यानी कि जो कंपनीज के, जो लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज पे, उसके अंदर जो शेयर्स है, उनके लिस्टेड शेयर्स हैं, उनके अंदर ट्रेडिंग करने के लिए आपका होता है शेयर्स। उसके बाद आता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के अंदर आता है आपका कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अगर आप इन
डेरिवेटिव्स के बारे में, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही मैं इन सभी टर्मिनोलॉजी पे जल्द ही वीडियो लाने वाली हूँ। तो चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, तो जब भी मैं वीडियोस डालूंगी तो आपको उन सब का नॉलेज जो है मिल पाएगा। उसके बाद आता है आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, जिसमें एक तरह से वो मीडिएटर काम करता है आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर ट्यूनिंग करते रहिए। फिर बात आती है आपके बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स यानी कि आपके डिबेंचर्स हो गए, जो आपके बॉन्ड्स है प्रॉपर, जिसके अंदर आपका फिक्स्ड यहाँ पे आपको इंटरेस्ट या फिक्स्ड रेट आपको यहाँ पे इनकम का जनरेट किया जाता है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो है हमारा यहाँ पे स्टॉक मार्केट। अब बात आती है स्टॉक मार्केट के अंदर जो है कि कितने टाइप के होते हैं। स्टॉक मार्केट होते हैं दो तरह के, पहला होता है आपका प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मार्केट। अब बात आती है प्राइमरी मार्केट क्या हुआ। प्राइमरी मार्केट हो गया आपका ऐसा मार्केट जिसके अंदर कंपनीज जो है अपने आईपीओ को जब सबसे पहले लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर को, तो वो सबसे पहले आता है आपका प्राइमरी मार्केट में। और जब आईपीओ आपका लिस्टेड हो जाता है उसके बाद जब ट्रेडिंग होती है तो वो होती है सेकेंडरी मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट को जो है स्टॉक एक्सचेंज भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब बात आती है स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट का यहाँ पे टाइप है, जिसके अंदर जो है आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग जो है सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके जो ट्रेडर्स हैं, बायर्स हैं, सेलर हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के अंदर कौन से हैं। जो दो फेमस स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के अंदर वो है BSE और NSE। अब यहाँ पे BSE और NSE की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे BSE और NSE जब आया था, सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था वो हुआ था यहाँ पे दलाल स्ट्रीट से, जिसका परमानेंट लोकेशन था दलाल स्ट्रीट से। यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 1854 के अंदर। उसके बाद 1875 के अंदर BSE इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन उसका नाम BSE नहीं था, उसका नाम था पहले द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, जिसमें ऑलमोस्ट उस वक्त वहाँ पे था 22 स्टॉक ब्रोकर थे और वो यहाँ पे बनियान ट्री के नीचे यहाँ पे खड़े होके जो है ट्रेडिंग यहाँ पे करते थे। उसके बाद यहाँ पे है कि जो ईयर आया 1956, उसके अंदर BSE उसको यहाँ पे नेम मिला, वो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज बना और इसका रिकग्निशन हुआ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। और 1993 के अंदर NSE एक और स्टॉक एक्सचेंज आया और इसमें इसका रिकग्निशन हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रूप में। और 2000 के अंदर यहाँ पे कमेंसमेंट हुआ इंटरनेट ट्रेडिंग एट NSE के अंदर जो है इंटरनेट के थ्रू ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो गया। और 2000 के अंदर ही NSE ने कमेंस कर दिया डेरिवेटिव ट्रेडिंग को, यानी कि इंडेक्सेस को, यानी कि कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन और फ्यूचर्स को। उसके साथ ही BSE ने 2001 के अंदर डेरिवेटिव ट्रेडिंग को जो है इंट्रोड्यूस किया। साथ में 2016 के अंदर जो है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि BSE ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया INX को। ये जो है आपका इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और ये जो है आपका इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज है। और इसके अंदर BSE का एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि वो एशिया का फर्स्ट ओल्डेस्ट यहाँ पे जो है एक्सचेंज के बारे में, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के अंदर जो डिफरेंस होता है उसके बारे में, BSE NSE के बारे में। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करनी है या उसके अंदर इन्वेस्ट करना है, शेयर्स को परचेज करना है, डेरिवेटिव को परचेज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपको किसी भी ट्रेड को करने के लिए या किसी भी तरह का डिपॉजिट लेने के लिए, बाय और सेल करने के लिए आपके पास होना चाहिए अकाउंट। अब ये जो अकाउंट है ये रिक्वायर्ड होता है, इन्वेस्टर और ट्रेडर का अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। अब मैंने यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, पहली है आपकी इन्वेस्टर, दूसरी है ट्रेडर। तो इन्वेस्टर कौन हो गया, इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा से वो स्टॉक मार्केट को ज्वाइन करता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। और ट्रेडर यानी कि जो शॉर्ट टर्म रूप से जो बाय और सेल करता है उसको हम यहाँ पे जो है ट्रेडर कहेंगे। अब बात आती है कि इसमें कौन से रिक्वायर्ड
जो है अकाउंट रिक्वायर्ड है। इसमें आपका रिक्वायर्ड होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है आपका डीमैट अकाउंट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के अंदर डिफरेंस नहीं पता है, तो इसमें मैं आप दोनों को बता देना चाहती हूँ, आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ पे आप जो है शेयर्स को, स्टॉक्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो जो ट्रेडिंग जिस अकाउंट के थ्रू होती है, इसमें बाय सेल का जो प्रोसेस जिस अकाउंट के थ्रू होता है, वो होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। अब आता है डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट को आप यहाँ पे बोल सकते हैं एक तरह से स्टोरेज अकाउंट, यानी कि आपकी कस्टडी रखी जाती है, जो आपकी एसेट है, जो आपका स्टॉक है वो आपका एसेट हो गया, और उसकी कस्टडी जिस अकाउंट में रखी जाती है उसे बोलते हैं डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट के अंदर जैसे आपका बैंक अकाउंट डेबिट होता है किसी एसेट को, जैसे शेयर्स को, स्टॉक को परचेज करने के लिए, डीमैट अकाउंट उसी वक्त आपका यहाँ पे क्रेडिट होता है, यानी कि जो बैलेंस रहता है वो आपका डीमैट अकाउंट के अंदर रहता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने बेसिक्स डिस्कस किए, जिसके अंदर स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में डिफरेंस को जाना, BSE NSE को जाना, स्टॉक एक्सचेंज को जाना। तो आशा है ये बेसिक्स आपको पसंद आए होंगे, क्लैरिटी मिली है कैसे आपको शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के अंदर डिफरेंस करना है, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। आगे ऐसे ही स्टॉक मार्केट से जुड़ी खबरों के लिए, उसकी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिलते रहें। और घर पर बैठे बैठे सेफ रहिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आप सब लोगों के लिए न केवल टैक्स अपडेट ला रही हूँ, बल्कि यहाँ पे मैंने आप सब लोगों की डिमांड पे ही स्टॉक मार्केट के लिए जो है वेब सीरीज़ भी यहाँ पे स्टार्ट की है, वेब वीडियोज़ भी स्टार्ट किए हैं। तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि मैं और भी मोटिवेट हूँ और आप सभी के लिए और भी ज़्यादा यहाँ पे वीडियोस जो है लाऊं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।